वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। आप भी देख रहे हैं कोविड में हम सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी सारे कंट्री की में कितना मेहनत और कितना अपने जान पे लगा कर काम किया है। उसके बावजूद भी जो एक सोसाइटी में जब भी कुछ डेथ होती है, चाहे रोड साइड एक्सीडेंट को ड्राइवर को नहीं डॉक्टर को पीटते हैं, किसी की पॉइजनिंग से डेथ होती है तो जहर खाने वाले के आसपास वाले उसके नहीं पर डॉक्टर को पीटते हैं। सिमिलरली कोविड में भी अगर हम कोई हेल्थ इश्यूज प्रमोट कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट, वैक्सीनेशन हो चाहे डेथ हो, वायलेंस फर्स्ट थिंग फ्रंट लाइन वर्कर पिटता है। और ये एक फिनोमेना पिछले दो डेकेड से 20 साल से इट हैज़ बिकम मोर रैम्पेंट। अब ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंसेस नहीं रह गए हैं, वेदर इट इज़ अ बड़ा हॉस्पिटल, वेदर इट इज़ सिविल हॉस्पिटल जो फ्री सेवा भी करता है, वेदर इट इज़ अ स्मॉल हॉस्पिटल, सब में एक ये ट्रेंड बन गया है कि मारो डॉक्टर को मारो। रिजल्ट क्या होने वाला है? या तो ये प्रोफेशन एक्सटेंट हो जाएगा या दे विल नॉट बी एबल टू सर्व, और डिफेंसिव मेडिसिन प्रमोट करेंगे। द मोमेंट देर इज डिफेंसिव मेडिसिन बनाए गए हैं, कहाँ खामियां रही हैं? ये कानून सरकार ने बनाए थे विच वॉज पास्ड बाय 24 to 26 स्टेट्स ऑफ द कंट्री, बट द थिंग इज जब स्टेट पास करती है इवन द पुलिस स्टेशन डजंट नो कि ये हमारा कानून है। वो एक बारी तो डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लेती है, केस रजिस्टर कर लेती है, बाद में निकलता है कि ही इज़ नॉट गिल्टी, पर बाय द टाइम 3-4 ईयर्स डॉक्टर अपना बेल के चक्कर में, कोर्ट के चक्कर में, ग्रीवेंस कमेटी के चक्कर में, सीएम विंडो में ही कीप्स रोमिंग अराउंड 5 ईयर्स ऑफ हिज फ्रूट। वो क्या करेगा अल्टीमेटली? डिसइंचांटेड विद द प्रोफेशन, और वो कहेगा बॉस कि हल्के काम करो, सीरियस पेशेंट मत लो, डिफेंसिव मेडिसिन करो, एंड अल्टीमेटली नुकसान सोसाइटी का है, लोगों का है। तो ये मांग हमारी यही है कि आई थिंक नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू लिसन। ये मांग हमारी कई सालों से रही है बट अब ये एक अल्टीमेट हो गया है कि इट हैज़ टू बिकम अ सेंट्रल लॉ। आईपीसी में ये आना चाहिए, द वे 302 अटेम्प्ट टू मर्डर, 304 एक्सीडेंट, सिमिलरली वायलेंस एट प्लेस ऑफ वर्किंग अलॉन्ग विद इन द हॉस्पिटल्स इन द हेल्थ केयर यूनिट्स have to become an IPC law. It has to be passed by the central law. I hope our home minister is listening. I hope the prime minister is listening. It is time he acts. उन्होंने कैसा एलोपैथी को स्टूपिड बोल दिया, वो जाने उनकी आपका उनकी अकल जाने जैसे भी है। हम एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, हमने अपना काम किया है, करेंगे, आगे भी करेंगे। हम कभी आयुर्वेदिक को हम कभी मना नहीं कर रहे कि बुरी साइंस है, परंतु एलोपैथी तो स्टैंड करती है और एलोपैथी ही आगे भी स्टैंड करेगी, खासकर सर्जिकल फील्ड में तो कोई इसकी कोई मात ही नहीं है। दूसरी बात, आज के दिन हमें क्या चाहिए? हम तो काम करने का एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक एटमॉस्फेयर मिले, काम करें। हमें देखो यही मरीज़ आएंगे भी, सीरियस भी होंगे, मरेंगे भी, परंतु हमारा तो अपने दिल से काम करने की इच्छा है। काम करते समय ये डर लगता है, हाय ये कोई मारेगा तो नहीं, हाय कुछ हो गया इसको तो क्या करूं, शुड आई रियली अटेम्प्ट इट, शुड आई सेंड इट, आप करूं या ना करूं, हमारे दिल में यही प्रोटेक्शन चाहते हैं। हम प्रोटेक्शन ये चाहते हैं कि हमें एक तो पेशेंट को सबको पता लगे कि भैया डॉक्टर्स को ये मार खाने वाली बात नहीं है, मार कैसे मत कीजिए, उनको भी ये पूरी अक्ल देनी चाहिए। नंबर टू, उनको ये पता होना चाहिए अगर हमने कोई भी ऐसा इंसिडेंट किया है तो उसी समय उनको भी सज़ा मिलने वाली है, दे विल बी बिहाइंड द बार। उन पर जैसे डॉक्टर पंकज ने बोला, उन पर भी सज़ा होगी, धारा लगेगी, ताकि डॉक्टर को लगे कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए सरकार मेरे साथ है। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है, इस ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस, आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल, कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर, कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 9812145।